स्पीड न्यूज ताजा खबरों के लिए करें सब्सक्राइब। जीजा का भाई लगता है। अच्छा, उन्होंने रात को सामने वाले ने समोर रात को इधर आके वो लोग ने मारहाण की जी। और उसको उधर घर से निकाल के मारा और डायरेक्ट कचरे में आके फेंक डाला, तो उन लोग को कड़ी कड़ी सजा हुई। कौन लोग थे ये? कुछ यही रवि धवंगे, सूरज चौधरी, स्वप्निल चौधरी, सुभाष भोईर, गांव के लोग ही थे। गांव के लोग। तो झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? झगड़ा वही 11 दिन का गणपति जा रहा था। हाँ। तो मेरे बड़ा भाई कदम पे काम कर रहा है, तो उनके 407 का ट्रक है। हाँ। डंपर। हाँ। उसी कारण की वजह से झगड़ा हुआ, तो इन्होंने लड़के लेके आकर मेरे भाई को मारा। तो ट्रक उनको बुक करना था क्या? हाँ। तो उधर मेरे भाई को मारा, फिर कल रात को भी मारा वो लोगों ने इधर आके। था क्या आपने देखा पूरा? वो 50-60 लड़के लोग थे। वो लोग 50-60 लड़के लोग सीधा घर में घुसे और वो लड़के को बाहर निकाला और वो तांबी तलवार से इतना मारा, बहुत मारा उसको, बहुत मारा। तीन जना बहुत मारा, उतना पूरा खून से वो पूरा लाल हो गया था। फिर वो गिर गया, तो फिर वो कम से कम 2 घंटा तक नीचे पड़ा रहा। उसको टच भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग, मार के ऐसे उसको घेर के खड़े थे, उसको टच भी नहीं कर रहे थे। जो आड़ोसी पड़ोसी निकले ना एक दो जन बचाने के लिए, उसको भी वो लोग ने, लड़के लोग ने बहुत मारा। एक जन पानी देने आया तो उसको भी वो लोग ने बहुत मारा। क्या वजह क्या थी, क्यों मार रहे थे? वजह सिर्फ वही थी, मेरी दीदी का लड़का, वो लोग उसके जीजा ने गणपति बिठाया था, तो वो लोग गणपति विसर्जन के लिए टेम्पो चाहिए था वो लोग को, तो वो टेम्पो बुक करने गया था। तो उधर उस लड़के का, मेरी दीदी के लड़के का, अरुण का और सामने वाले लड़के का सिर्फ दो चाटा मारा मेरे दीदी के लड़के ने, इसलिए वो लोग ने इतना फोज लेके आया। यही वजह, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। यहाँ पे तोड़फोड़ भी क्या? तोड़फोड़ किया, ये लोग का घर तोड़फोड़ किया, वो कार पूरा तोड़फोड़ किया, बाइक पूरा तोड़फोड़ किया, सब मंडल में भी तोड़फोड़ किया, मंडल में भी तोड़फोड़ किया। तो वे क्या चाहते हैं, जो न्याय क्या चाहते हैं? हमको तो न्याय चाहिए ना, वो लोग को फांसी मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद मिले वो लोग को। कितने लोग थे? कम से कम 50-60 जन। वो लोग का ग्रुप ही था। मेन को बता, सबसे मेन तो जो है ना, सबसे मेन रवि धवंगे, रवि अनुव गटले, सूरज चौधरी, सुभाष भोई। हाँ। महारल गांव में कल रात में 2 गुट में झगड़ा हो गया था। दिल्ली में कई बच्चे थे आपस में, उनकी मारपीट हो गई। उसमें मेहंदी करके एक लड़का है, उसके सर में जबरदस्त मार लग गया था। जेजे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, लेकिन वो सुबह में उसका इंतकाल हो गया। इस सिलसिले में 302 का गुना दाखिल है, तपास जारी है, गुना दाखिल है। 4 आरोपियों का हमने ताबे में लिया है। हाँ, क्रॉस कंप्लेंट है, अभी उसका तपास जारी है उसका, ठीक है।